हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरी भी हेल्थ पहले से बहुत बेटर होती जा रही है, तो नाउ आई एम फील वेरी बेटर। तो प्लीज आज भी हम कुछ अच्छा से टॉपिक जो है यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। वो भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा गाइस, ठीक है। क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे नहीं पता लगेगा कि मेरी वीडियोस ऑडियंस को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। मेरी इन्फॉर्मेशन जो कि मैं बोलती हूँ कि बहुत यूजफुल है, तो वो बाकियों के लिए यूजफुल है या नहीं है। तो इसके लिए प्लीज प्लीज आप कमेंट्स करिएगा, बताइए कि मेरी वीडियो और आप किस प्रॉब्लम पे, किस डिफिकल्टी पे आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं। तो प्लीज उसके साथ अपना फीडबैक दीजिएगा और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, जिससे कि आप पर्टिकुलर नॉट मेल और नॉट फीमेल, मतलब मेल फीमेल एंड फैमिलीज, ठीक है, और हमारी यूथ एज भी, तो एक उन सबके लिए ही एक वीडियो है, क्योंकि वो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम सबके साथ ही चल रही है, क्योंकि मेल भी वर्किंग होते हैं, फीमेल भी वर्किंग होती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर ये टॉपिक नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर जेंडर पे नहीं है, ये एक प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें ना हम बात करने पा रहे कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब है, जैसे कि आजकल के टाइम में ना एक लोन और क्रेडिट कार्ड लोन और क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में मोस्टली लोग फंस चुके हैं, ठीक है। अब फंस चुके हैं तो इसलिए फंस चुके हैं लैक ऑफ नॉलेज। अगर नॉलेज होती तो इन चीजों से शायद इंसान अब इतना नहीं फंसता, ना वो फंसता चला जाता है, ठीक है। बट क्या है कि अब लैक ऑफ नॉलेज पहले लोगों को नहीं थी। और जनरली क्या होता है ना, जब हमारा एक बिजी शेड्यूल होता है या फिर तो हमारा एक जॉब करते हैं, ऑफिस करते हैं, तो हमें ना पर्टिकुलर उसी चीज़ के बारे में ही इंफॉर्मेशन कहीं से मिलती है, तो ही हम ग्रैब करते हैं। कोई अनदर इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिलती है तो वो हम ग्रैब ही नहीं करते। तो अगर आप अपनी फील्ड में तो एक्सपर्टीज बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आपको और भी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको पता लगता है उन चीज़ों के बारे में तब तक आप फंस चुके हैं। तो इसी के लिए लोन और क्रेडिट कार्ड के डेब्ट में खुद को उन चीजों से बचाने के लिए ना आपको कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। तो यहाँ आज की वीडियो में हम उन्हीं कुछ स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली मेरे माइंड में भी जस्ट ये टॉपिक कैसे आया, मैं आपको बताती हूँ। लाइक जब मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया था, तो आफ्टर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेशन होते हैं, इंडक्शन सेशन होते हैं, तो आई नोटिस वन थिंग, मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि जैसे इंडक्शन में वहाँ पे जो है सैलरी अकाउंट के लिए बैंक से पर्सन आता है कि सैलरी अकाउंट ओपन करिए हमारे बैंक में, तो ना वो जो स्पीच दे रहा था, मतलब जो बैंकर पर्सन था वो स्पीच दे रहा था, तो इस तरीके से मतलब कैसे मतलब एजेंट्स लाइक आप लगा सकते हो कि कुछ मेरी एज के भी थे, कुछ छोटे लोग जो थे ज्वाइन करते लाइक फ्रेशर में 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल इस टाइप के, तो उनको इतने अच्छे से ब्रीफ कर रहे थे वो कि आप हमारे इसमें सैलरी अकाउंट में खुलवाइए, आपको ये चीजें मिलेंगी, ये किट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, और साथ ही साथ ना सबको क्रेडिट कार्ड ऑफर करते थे कि आप यहाँ पे साइन कर दीजिए, आपको क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। तो मतलब आई मीन टू से कि कुछ उसमें से फ्रेशर्स थे, मतलब कि लाइक जो बच्चे ने अभी कमाना भी नहीं शुरू किया, सीखा भी नहीं, उसको पहले ही बताया जा रहा है कि खर्च कैसे करना है, तो ये बहुत ही गलत चीज है, ठीक है। लेकिन ये बहुत टाइम से होती आ रही है, लोग ट्रैप में फंसे चले जा रहे हैं, और अब तो बहुत ज्यादा ही हो गया है, लेकिन अब इन चीजों के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है स्प्रेड की जा रही है, ठीक है। कोई क्रेडिट कार्ड या लोन कोई बुरी चीज नहीं है, डिपेंड करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो कुछ लोग उसका सही इस्तेमाल करके उस अमाउंट को से और इनकम अर्न करते हैं, और कुछ जिनको लैक ऑफ नॉलेज होती है वो उसी अमाउंट के ट्रैप में फंस के अपनी भी जो वेल्थ होती है ना, उनकी जो थोड़ी बहुत उनकी वेल्थ होती है उसको भी वो खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए कि प्रॉब्लम ही लगी मुझे, तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में जरूर आपसे बात करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं, इसमें कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि एक एफर्ट है कि आप इन चीजों से बच सके। देखिए जो ऑलरेडी ट्रैप में है वो भी धीरे धीरे
उस चीज से ओवरकम आएंगे, और ये चीजें हमें लेनी क्यों पड़ती हैं, ठीक है, सब कुछ निश्चितिज होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम नहीं कर पाते, या कभी कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं, तो अगर उस टाइम पे हमारे पास तरह का कोई ऑप्शन होता है तो हम उस ऑप्शन को चूज करते हैं, ठीक है, कि हाँ हम अपने काम को यहाँ से कर सकते हैं, हम बैंक की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन उस टाइम हमारा क्या होता है कि माइंड सेटअप होता है, हमारा काम तो हो जाता है, लेकिन हम बहुत ऐसी चीजों से जुड़ी हुई होती है जिसे हम देखते ही नहीं, तो वो भी देखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कोशिश करिए कि आप इन चीजों में पढ़े ही ना, ठीक है, एक नॉर्मल, एक लो क्लास और एक मीडियम क्लास के जो लोग होते हैं ना वो इसमें ना ही पढ़े, जो इसे हायर लेवल के लोग होते हैं वो अपने बिजनेस के पर्पज से इन चीजों का अगर यूज करते हैं तो वो गुड है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल और मीडियम फैमिली को इनसे दूर ही रहना चाहिए। तो इसमें हमारा सबसे नंबर वन पे जो स्टेप आता है ना, वो नंबर वन स्टेप हमारा होता है कि आपको सबसे पहले अपना एक बजट बनाना चाहिए, ठीक है, आप अपना पहले एक बजट बनाइए और उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करें। अब बजट बनाने के सबसे पहले काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी जितनी भी इनकम है यू नीड टू राइट, आप उसको पहले लिखो कि आपकी कितनी इनकम है, अनदर साइड पे आप लिखो कि आपके कितने एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कितना अर्न कर रहे हो, और एक्सपेंडिचर में ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि आपको करने ही करने हैं, जो बिना करे आप नहीं रह सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो एक नेसेसिटी है, फॉर सपोज रेंट है, ठीक है, आपके घर की ग्रॉसरी है, आपके बच्चों के स्कूल की फीस है, तो आपको उस तरह के एक्सपेंडिचर लिखने जो कि फिक्स्ड है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपको बजट बनाना है और उस बजट के अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी इनकम लिखनी है और फिर आपको एक साइड पर अपना एक्सपेंडिचर लिखना है, आपके पास दोनों चीजों का आउटपुट आ जाता है। अब उसके बाद अपना आप मंथली बजट बनाना, ठीक है, ये पहले नहीं करेंगे, जब आपके पास आपका इनकम एक्सपेंडिचर का कैलकुलेशन होगा उसके बाद आप अपना मंथली बजट बनाएंगे, और जब आप मंथली बजट अपना बना लेंगे फिर आप उस बजट को ही प्लान करके पूरा मंथ करेंगे, ठीक है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना बजट बनाना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, जिससे कि आप क्या है कि कोई भी डेब्ट के चक्कर में आप नहीं फंसेंगे, वो कहीं से भी कर्जा नहीं लेना पड़ेगा और ना ही इस किसी कार्ड की कोई हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, तो इसीलिए आप इसको मेंटेन करके चलिए। इसमें नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये आता है कि आप उन्हीं चीज़ों को एक्स्ट्रा, जैसे एक्स्ट्रा हम ओवर स्पेंड कई बार कर देते, कुछ चीज़ें क्या होती है ना हमारी यूज की नहीं होती है, कि अगर जिसको हम नहीं भी अगर हम परचेज करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, बट समटाइम्स क्या होता है कि हम उन्हें भी बाय कर लेते हैं, तो आपको इस चीज़ पर भी कंट्रोल करना होगा कि जो चीज़ आपके लिए एक्चुअल में जरूरी है, जिसके बिना आपका काम नहीं चल पा रहा है, आप उस चीज़ को बाय करें और ओवर स्पेंडिंग से बचें। ये नहीं कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं कुछ परचेज करने के लिए और अगर आपके हाथ में कार्ड है, अगर आप स्वैप कर सकते हैं, तो अगर आप एक की जगह आप छह चीजें लेके आ रहे हैं जो कि आपका काम एक से ही चल सकता है, ठीक है, तो आपको ओवर स्पेंडिंग से बचना है। अगर आप ओवर स्पेंड करेंगे तो आप उस टाइम तो ओवर स्पेंड कर लेंगे, ठीक है, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि अभी मुझे पे तो नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। तो जैसे कि होता है कुछ नई चीज आती है, कुछ लग्जरीज होती हैं, जैसे कि आईफोन लॉन्च होते रहते हैं, ठीक है, तो अब ये है, अब जो नया लॉन्च हो रहा है, तो अब हम होते हैं पर्सन होते हैं मिडिल फैमिली जो होती है वो उसे बाय नहीं कर पाती, लेकिन उनके पास क्रेडिट कार्ड होता है, उसे स्वैप किया, मतलब ये लग्जरियस चीज़ जो है हमने वो ले ली, ठीक है, तो आपको उसको करने से बचना है। जो चीज़ें आपके लिए एक्चुअल में ज़रूरी हैं सिर्फ आप उसको ही बाय करिए, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जिसके बिना आपका काम चल सकता है, उसको आप बाय करने से बचिए, इससे आप ओवर स्पेंडिंग से बचेंगे, और अगर आप ओवर स्पेंडिंग से बचेंगे, आपको पहले ही आपका बजट बना हुआ है, तो आपको डेब्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको किसी लग्जरियस चीज चाहिए या अगर आपको कोई वेकेशन चाहिए, तो आप ओवर स्पेंडिंग को छोड़कर सेविंग को अपनाइए, ठीक है। जिन चीजों को आपका कार्ड होगा, आप सोचेंगे कि अभी मुझे पे नहीं करना, आप ओवर स्पेंड कर लेंगे, तो अगर आप वही अमाउंट को आप सेव करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आप बाहर किसी फंक्शन के लिए एक ड्रेस लेने के लिए गए हैं और अगर आपको पसंद आ रही है, वहाँ पे वेराइटीज बहुत अच्छी अच्छी हैं, इफ़ यू वांट टू बाय लॉट ऑफ थिंग्स लाइक टू और थ्री मैं ले लेती हूँ, फंक्शन आएगी मेरे आगे काम आएगी, तो आप उसे छोड़ दीजिए और आप ओवर स्पेंडिंग की जगह जो है सेविंग की हैबिट को डालिए, क्योंकि वो सेविंग आपके काम आएगी, ठीक है। कैसे काम आएगी, कहाँ काम आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप सबसे पहले ओवर स्पेंडिंग की चीज़ों की आदत को छोड़ के सेविंग की आदत को अपनाइए, ये है आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप इसमें हमारा आ जाता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है और आप उसे अगर यूज कर रहे हैं, ऑब्वियस अगर आपके पास है तो आप उसे यूज तो करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना कंट्रोल अगर कोई कर ले कि उसके पास है और वो यूज ना करे, तो इस ट्रैप से बच जाए,
ठीक है, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। अगर आपके पास ये फैसिलिटी है तो आप उसे यूज करेंगे, इट्स ओके अगर आप उसे यूज कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत ही उसे इंटेलिजेंस के साथ यूज करना है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्टेप में ही बताया कि आपको सबसे पहले ओवर स्पेंडिंग से बचना, ठीक है। और आप जितना भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना भी उसको आप यूज कर रहे हैं एक्सपेंसेस में अपने किसी भी चीज के लिए, तो जब आपकी मंथली स्टेटमेंट आती है ना, तो आपको मंथली स्टेटमेंट में अपना बिल देख के उस बिल नहीं पे कर देना, आपको उसको बहुत तरीके से देखना है कि उस आपकी मंथली स्टेटमेंट में आपका कितना जीएसटी लगा हुआ है, कितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग पार्ट जो स्टेटमेंट में होगा, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अब मिनिमम ड्यू का चक्कर होता है कि अगर आपने स्पेंड किया है 50,000 रुपीज स्पेंड किया है, उसमें आपको आ जाएगा मिनिमम ड्यू। अगर आपने ईएमआई कन्वर्जन नहीं कराया है तो मिनिमम ड्यू यू नीड टू पे दिस स्मॉल अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल अगर 50,000 किया है तो वो आपको 8,000-10,000 का अमाउंट दे देंगे कि आप मिनिमम पे कर दो एंड यू आर हैप्पी कि ठीक है मुझे टाइम भी और मिल गया और मुझे पेमेंट भी नहीं करना, ठीक है। लेकिन वो आपके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, एक बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि उससे आपका जो आउटस्टैंडिंग होता है वो प्रिंसिपल में माइनस ही नहीं होता है, वो आपका इंटरेस्ट भी चला जाता है, वो आपका प्रिंसिपल ऐसे क्या ऐसे ही रहता है। कहीं मैं आपको औरों का एग्जाम्पल बताऊंगी, मेरे खुद का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने अपना HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करती हूँ, जिसमें कि ना मैंने EMI कन्वर्जन I don't remember मैंने एक बार करवाया भी था और एक बार नहीं भी करवाया था। तो उसमें क्या था कि मैं ना मिनिमम ड्यू पे करती थी, मेरा एक्सपेंसेस जाता था, मैं मिनिमम ड्यू पे करती थी। ऐसे करते 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 मैंने 1 lakh rupees मैंने HDFC को एक्स्ट्रा दे दिया और मैंने उनसे बात भी करी, मैंने उनको ये चीज बोला एंड उन्होंने भी बोला कि हाँ एक्स्ट्रा मैंने पे किया है। बट ये मेरी लैक ऑफ नॉलेज थी, ठीक है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप ही अवेयर नहीं हो अपने एक्सपेंसेस के बारे में, अगर आप ही सही तरीके से नई स्टेटमेंट को देख रहे हो और पे करते चले जा रहे हो, तो ठीक है, बैंक का तो ये बिजनेस है। अब बैंक को क्या जाके बोलोगे, बैंक का तो बिजनेस है, बैंक तो कमाने के लिए ही बैठा हुआ है। अब आपको देखना है कि आप बैंक के पैसे को लेकर उससे कमा के कुछ आगे करते हो, या आप बैंक से ही पैसा लेके उनके ही ट्रैप में फंसते चले जाते हो और खुद को एक गड्ढे में खुद ही पीछे से पुश करके थ्रो कर देते हो, गड्ढे के अंदर डाल देते हो खुद को, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, इट्स ओके, आप यूज करो, जितना आपका जरूरत की चीजें हैं उनके लिए यूज करो, ओवर स्पेंड मत करो, ठीक है। ओवर स्पेंडिंग जब भी करने का मन करे ओवर स्पेंडिंग वाले अमाउंट को सेविंग में कन्वर्ट कर दो, सिंपल, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड जब आप यूज कर रहे हो, उसको पे कर रहे हो, तो प्लीज उसकी स्टेटमेंट को देखिए, चाहे आपने वो मंथली EMI कन्वर्ट कराई है तो भी आप उसको पूरा देखिए, आप मिनिमम ड्यू कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं XYZ की आपका एक्सपेंसिस के अकॉर्डिंग कैसे पे करना चाह रहे हैं बैंक को, लेकिन आपको हर चीज अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अगर आप मिनिमम ड्यू पेमेंट भी कर रहे हैं ना, तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आपका प्रिंसिपल वहीं खड़ा है। अगर आप उस चीज में ओके हैं तो ठीक है, आप पे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको पता तो होना चाहिए ना, आप सोच रहे कि मेरा अमाउंट प्रिंसिपल में डिडक्ट होगा लेकिन वो होता है इंटरेस्ट में है। तो इसीलिए अपने स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, उसमें कुछ डाउट लगता है तो यू शुड कॉल टू द बैंक कस्टमर केयर पे कॉल करिए, पूछिए ये चीज है तो ये चीज क्यों है, ये चीज मुझे बताई गई थी, ये चीज ऐसे नहीं है, यू शुड आस्क क्वेश्चन। आपको पोर्शन उसे याद रखना चाहिए, ये आपका आता है थर्ड स्टेप। फोर्थ पॉइंट इसमें हमारा आता है कि अपने डेब्ट को, अपने कर्जे को समझें, ठीक है, कर्जे को प्रॉपर तरीके से समझें और उस कर्जे को, उस कर्जे के लिए प्लान बनाएं, उस डेब्ट के लिए प्लान बनाएं कि आपको कैसे उस डेब्ट के ट्रैप से निकलना है। तो जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले स्टेप पे बताया कि आपको अपना स्टेटमेंट, अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसका शेड्यूल स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड है तो उसकी मंथली स्टेटमेंट, जो कि आपको अच्छे से देखनी है, एनालाइज करनी है। तो जब आपको अपने डेब्ट के लिए आपको प्लान बनाना है, तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना है, स्टेटमेंट्स को देखना है कि आपके कहाँ कहाँ पे हायर इंटरेस्ट लग रहे हैं, आपका लोन किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहा है, आपको क्रेडिट कार्ड क्या ROI लगा रहा है, क्योंकि जब आप पे करते हैं तभी चीजें अंडरस्टूड नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आपको उस ट्रैप से बाहर आना है, तो अगर आप ऑलरेडी देखिए अभी हम आगे वालों को तो ये इन्फॉर्म करेंगे कि आप ना लें, लेकिन अगर जो ले चुके हैं, जो कि मोस्ट पॉपुलेशन ले चुकी है, और मैं भी उनमें से हूँ, मैंने भी ले रखा है, ठीक है, मैं कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी ज्ञाता थी तो मुझे सब कुछ पता था, ठीक है। जब हम कोई चीज में फंसते हैं तभी हम सीखते हैं, ठीक है। मैंने बोला मैं एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर करती हूँ,
तो अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको देखना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट लग रहा है, कितना हायर आपका इंटरेस्ट लग रहा है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अपना आप डेब्ट ऑफ का प्लान बनाएंगे, अपने कर्जे को उतारने का प्लान बनाएंगे, और जिसमें आप फिर देखेंगे कि कहाँ आप अपने इनकम एक्सपेंडिचर के हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ना, तभी आप एक दिन वहां से बाहर आएंगे, अदरवाइज तो नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए आपको उसके लिए सब कुछ देखना भी है, प्लान करना है डेब्ट ऑफ का, और फिर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट जहां से आपसे हो सकता है वहां से आप देंगे। अपने कर्जे को आपको प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। अब मैंने ये तो बोल दिया कि आप एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पेमेंट लेकिन आप कहाँ से देंगे, तो अपने डेब्ट के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा फंड एलोकेट करने पड़ेंगे। अब एक्स्ट्रा फंड देखिए, आप कभी फैमिली से भी बोरो कर सकते हैं, लेकिन अगर फैमिली में भी किसी से बोरो करेंगे तो आपको उनको वापस करना होगा ना। आप किसी से भी बोरो करेंगे तो आप वापस करेंगे, फिर भी आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि तो हो सकता है कि आपकी फैमिली से आपको विदाउट इंटरेस्ट में अपने रिलेटिव से कुछ अमाउंट मिल जाए, या कुछ और है आपके जानकार में जिनसे इंटरेस्ट पे आपको अमाउंट मिल जाए लेकिन बैंक से कम हो। तो आप जो है फंड्स एलोकेट करिए, या कुछ और इनकम के सोर्स बनाइए जिसके अकॉर्डिंग, एक इनकम के अकॉर्डिंग तो आपका एक्सपेंडिचर और इनकम बना हुआ है, एक्स्ट्रा एक इनकम को कोशिश करिए अर्न करने की। अगर आप कुछ फंड एक्स्ट्रा एलोकेट करेंगे ना अपने डेब्ट को प्रायोरिटाइज करके कि मुझे इस ट्रैप से बाहर आना है, तभी आप बाहर आ भी पाएंगे। तो आपको कुछ इसके लिए फंड्स को जो है एलोकेट करना होगा, उसमें से देखना होगा कि हायर इंटरेस्ट किस पे लग रहा है। जो हायर इंटरेस्ट है उसको आप पहले खत्म करिए, सबसे पहले आप जिस पे हायर इंटरेस्ट लग रहा है उसको पहले खत्म करिए। आपको कैटेगराइज करना होगा हायर टू लोअर पे। अब जो आपका हायर है उसको आप पहले पकड़ लीजिए, लोअर वाले पे आप धीरे धीरे आ जाइए, ठीक है। तो आपको इन चीजों से भी, जिससे कि क्या होगा कि आप अगर हाई इंटरेस्ट का करेंगे तो इससे क्या है कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, उसको हाई इंटरेस्ट को पे करने के उससे आप बच जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा आता है, जो हमारा 6th चैप्टर में आता है, कि आप जो है ना नए डेब्ट से, नए कर्जे से बचें, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला ना कि आप फैमिली में या फिर कहीं से ले सकते हैं कम इंटरेस्ट, कोशिश करिए कि अगर आपसे कुछ बन सकता है, कुछ एक्स्ट्रा अगर आप कुछ कर सकते हैं इनकम, उससे करेंगे तो बेटर है, क्योंकि अब नया कर्जा लेंगे तो आपको उसको भी वापस करना है। अब यहाँ नए कर्जे में नया लोन भी हो सकता है, नया क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश तो करिए कि उसे मत लीजिए, लेकिन अगर आप फिर भी ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि बनवाना गलत बात नहीं है, तो जब भी उसको इस्तेमाल करेंगे, अगर आप कोई नया डेब्ट ले भी रहे हैं, नया लोन या नया क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं या किसी और से बोरो कर रहे हैं, तो उसको बहुत ही समझदारी के साथ आप उस पैसे को लगाएंगे, ताकि आप फिर से एक ट्रैप में नहीं फंस जाए, ठीक है। पूरी समझदारी के साथ हर चीज को माइंड में रखते हुए आप उस पैसे को यूज करेंगे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का है, चाहे लोन का है, चाहे आपने किसी से बोरो किया है, आप पूरी इंटेलिजेंस के साथ ही उस पैसे को आप यूटिलाइज करेंगे। और कोशिश ये रहेगी आपकी, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी, ठीक है, कि आप डेब्ट पे कम ध्यान देते हुए अपनी सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। भले वो सेविंग्स छोटी है, वो सेविंग्स 50 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज, 5,000 और 50,000 और 5 लाख कहीं की भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन शुरू वो 5 रुपीज से भी हो सकती है। तो प्लीज 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 अपने डेब्ट को पे जितना ध्यान दे रहे, जितना कर्जा लेने पे ध्यान दे रहे, प्लीज अगर आप वो ले रहे हैं एक्स वाई जेड सिचुएशंस की वजह से, तो अपनी सेविंग्स पे भी उतना ही फोकस करें, क्योंकि वो भी आपके लिए उतनी ही जरूरी है, सेविंग्स भी आपके लिए उतनी ही जरूरी रहेंगी हमेशा। नेक्स्ट स्टेप इसमें हमारा आ जाता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड से ही क्लियर हो रहा है कि एक इमरजेंसी, जब इमरजेंसी आ जाती है, जो कि हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर में जो खर्चा मेंशन ही नहीं होगा, उसी को हम बोल सकते हैं इमरजेंसी। वो इमरजेंसी किसी भी तरह की हो सकती है, किसी की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई शादी हो रही है, ठीक है, वो शादी का कोई अचानक से कोई फंक्शन जैसे आ जाता है, जो कि आपके एक्सपेंडिचर में नहीं होगा लेकिन आ जाता है, ठीक है। कोई मिसहैपनिंग हो गई किसी के साथ, तो कुछ अनफोर्सीन सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, अनफोर्स सिचुएशन होती है जो अचानक से जब कुछ आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं इमरजेंसी। तो उसके लिए भी हमें फंड क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि जब इमरजेंसी फंड जब हम क्रिएट नहीं करते ना, तो उस कंडीशन में भी 99% लोगों को डेब्ट लेना पड़ता है, क्योंकि वो उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं होते, ठीक है। कई बार जैसे मेडिकल क्लेम नहीं लेते हैं,
तो अब मेडिकल क्लेम नहीं लिया हमें, हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और सडनली कुछ हमारे घर में कुछ तो बीमार हो गया जिसको एक बड़ी मेजर डिजीज हो गई, ठीक है, उसका इलाज है, हम करा सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसके लिए हमारे पास कोई फंड ही नहीं तैयार है, ठीक है, फंड ही नहीं तैयार है, तो फिर हमें उस टाइम हमने तो कोई उसके लिए प्लान भी नहीं कर रखा था, कोई इमरजेंसी फंड नहीं तैयार कर रखा था, कोई मेडिक्लेम नहीं ले रखा था, तो हमारे पास क्या बचा था, डेट, फिर से हमें कर्जा लेना पड़ेगा। तो आपको इमरजेंसी फंड भी हमेशा अपनी इनकम से कुछ ना कुछ रेशो जो भी आपके लिए आपकी इनकम के अकॉर्डिंग निकालना हो उसे निकालिए जरूर, ठीक है। हो सकता है आपके, अगर आप थोड़ा निकाल पा रहे हैं, अगर आपकी इमरजेंसी फंड में अगर आपको 100% पैसा अगर आपके पास नहीं, तो आपके पास 80% तो है, आपको 20% लेना पड़ रहा है, लेकिन अगर आपके पास पैसे अगर आपका है ही नहीं, कुछ आपने रखा ही नहीं, तो आपको 100% का 100% लेना पड़ेगा, तो 20% और 80% में फर्क होता है। तो यू शुड क्रिएट इमरजेंसी फंड, आपको हमेशा इमरजेंसी फंड रखना चाहिए कि अचानक से अगर कुछ होता है तो आप उस इमरजेंसी फंड की मदद से डेब्ट लेने से बच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जॉब हमारा आता है कि आपको ना फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ग्रैप करनी चाहिए, लेना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और लॉट ऑफ रिसोर्सेज आज के डेट में भरे पड़े जहाँ से आप इंफॉर्मेशन ग्रैप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हमारी किसी ना किसी की फैमिली में कोई सीए होता है, तो आप तो उनके पास ही बैठी ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं, ठीक है, उनके, या आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको अपने कोई रिलेटिव में बहुत अच्छी एजुकेशन जिसके पास उससे मिल जाएगी। तो आपको ना फाइनेंशियल नॉलेज भी रखनी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट नॉलेज भी रखनी चाहिए, और ये आपको सिर्फ खुद तक नहीं रखनी चाहिए, ये आपको इवन देन आपको इन चीज़ों के बारे में अपनी फैमिली में डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। वो बींग अ मदर, बींग अ फादर, अगर उनको है तो उनको अपने बच्चों से डिस्कस करना चाहिए, अगर बच्चों को है तो उनको भी अपने मदर फादर को बताना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे भी आप डेब्ट से बचेंगे, डेब्ट से भी बचेंगे, साथ ही साथ जो आप सेविंग करेंगे, जो मैंने आपको पहले बोला कि डेब्ट से, डेब्ट को हटा दीजिए और सेविंग पे फोकस करिए, और अगर आपको इसकी नॉलेज होगी ना फाइनेंशियल की, तो आप सेविंग जो आप करेंगे उसको एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। जब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप उससे एक अच्छा अर्निंग भी कर सकते हैं। तो अगर इसको भी, अपनी नॉलेज को भी लीजिए, और इसको अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करिए, सबको इसके बारे में एजुकेट करिए, अगर आपके पास सबको एजुकेट करिए, और आपको ना अपनी फैमिली को भी इसमें, नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है, अपनी फैमिली को भी ना आप इसमें शामिल करिए। शामिल इन द सेंस में मेरा मतलब है कि आपको ना जो एक बजट प्लान जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के पॉइंट में, वो आपको परिवार के साथ मिलकर बनाना चाहिए, अकेले नहीं बनाना चाहिए, क्यों, ठीक है, क्योंकि आपके परिवार को भी आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है ना वो पता होंगे। जैसा कि मैंने बोला ना कि सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे खर्चा करिए जो आपके लिए ज़रूरी है, उन चीज़ पे मत करिए। फॉर सपोज अगर समटाइम जैसे कि बहुत सी फैमिली में से हाउस वाइफ है, ठीक है, वो वर्क नहीं करती, एक मेल ही वर्क करता है, उस मेल के ऊपर अपने पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपनी वाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपने बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं वो डेट के चक्कर में फंस जाता है। तो अगर वो अपनी फैमिली को नहीं शामिल करेगा मदद बनाने में, तो उसकी फैमिली को नहीं पता होगा उसके बारे में, तो वो अपनी डिमांड्स उसके सामने रख सकती है कि मुझे तो ये करना है, मुझे तो पता ही नहीं ना कि आप किस चीज को फेस कर रहे हो, वो अपनी डिमांड्स रख सकती है क्योंकि उनके लिए सब कुछ स्मूथ चल रहा है। तो आपको क्या है ना कि अपने फाइनेंशियल गोल्स में अपनी फैमिली को भी शामिल करना चाहिए, ताकि वो भी इसके लिए एजुकेट हो और आपको अचीव करने में आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। तो अगर वो भी होंगे तो वो भी इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे किस चीज को करके हम डेट को भी कम कर सकते हैं, और क्या करके हम थोड़ी सी सेविंग को भी बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आपको एक बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी अगर आप इस चीज में अपनी फैमिली को भी शामिल करेंगे। आपको क्या करना है, टीम की तरफ वर्क करना है। अगर कमाने वाला एक पर्सन है ना, तो इंडिविजुअली अगर उसके नाम पे ही है सब कुछ, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ वही, आपको एक मिलकर टीम वर्क करना है, फैमिली को मिलकर टीम वर्क करना होता है। और अगर आप टीम वर्क करते हैं तो इससे आपको एक डेब्ट मैनेजमेंट में ना हेल्प मिलती है, और आप उस ट्रैप से धीरे 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 ओवरकम होने के आपके चांसेस बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये ही कुछ स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताया, जिससे कि आप अपने ये लोन और क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में अगर फंस चुके हैं तो भी आप इनको फॉलो करके ओवरकम कर सकते हैं, और अगर नहीं फंसे हैं तो ये तब भी ये चीज़ों को आप, नॉलेज को अगर आपके पास रहेगी, तो अगर आप बनवाते भी हैं क्रेडिट कार्ड को या लोन लेते भी हैं, तो भी आप उसका समझदारी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ इन सारे स्टेप्स को ध्यान में रखिए, ठीक है, और इन स्टेप्स के साथ आप डिसिप्लिन रहिए, ठीक है। अगर आप उसका डिसिप्लिन नहीं रहते हैं तो ये आपके लिए, आपके फाइनेंशियल चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल कर सकते हैं।
तो मेरा आप सब लोगों के साथ यही मैसेज था कि प्लीज इन स्टेप्स के साथ डिसिप्लिन रहिए और इस ट्रैप में ना फंसते हुए अपनी हेल्थ वेल्थ सब क्रिएट करिए, क्योंकि अगर आप डेब्ट के इसमें ट्रैप में आ जाते हैं तो आपकी वेल्थ तो बनती नहीं है और आपकी हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा इशू रहता है, ठीक है, क्योंकि आप स्ट्रेस में ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसीलिए अपनी हेल्थ वेल्थ सबका ध्यान रखिए और इन स्टेप्स को फॉलो करिए। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। प्लीज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज उसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू गाइस, बाय।